हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। हम लोग कर रहे हैं 200 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन जर्नल साइंस फॉर योर जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो गाइस, आपको मैं बता दूं कि इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी हो चुका है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ आई बटन के ऊपर जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका एसएससी, सीजीएल है, सीएचएसएल है, आरआरबी है, आईबी है, या इसके अलावा कुछ और एग्ज़ाम्स भी हैं, या फिर आपके जो जेकेएसएसपी के एग्ज़ाम्स हैं या फिर केएस का एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे पिकअप किए हैं और उन्हीं को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इससे होगा क्या कि आपको जितने भी आने वाले आपके जो एग्ज़ाम है ना, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है या फिर कोई और एग्ज़ाम है, तो जनरल साइंस का जो पोर्शन होगा उसके अंदर कैसे पूछा जाएगा उसके लिए जो है आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा और साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो प्लीज़ यार वीडियो को मिस मत करिएगा। और साथ ही यार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक का बटन दबा देना और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपके कितने एमसीक्यूज जो होगा यहाँ पे ठीक हुए। ठीक है गाइस, तो साथ में आपसे एक और रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू। तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू है क्या है हमारे पास। फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर वी यूज़, अगर हम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है अगर हमें मेज़र करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो देखो हमारे पास अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं, तो उनको जो है बेसिकली डिवाइड किया गया है कि कौन सा टेम्परेचर जो मतलब कौन सा थर्मामीटर जो है वो कितने टेम्परेचर तक को मेज़र कर सकता है। तो जैसे हमारे पास जो मर्करी थर्मामीटर्स होते हैं ना, तो ये लगभग आपका जो 350 सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर होगा वहीं तक जो है उस टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर्स होते हैं, तो ये जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं उसके लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। उसके बाद प्लेटिनम रेजिस्टेंट थर्मामीटर होते हैं, जिनको जो है हम लोग लगभग 650 सेंटीग्रेड तक का अगर टेम्परेचर है तो उसको जो है मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास बी, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। बेसिकली जो हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पायरोमीटर्स कहा जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारे पास द स्टोन फॉर्म्ड इन किडनी कंसिस्ट ऑफ, जो हमारे किडनी के अंदर जो स्टोन्स बन जाते हैं वो केमिकली क्या होते हैं, तो वो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं। ठीक है ना, केमिकली क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के जो है हमारे किडनी के स्टोन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स आर मेनली, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं। ठीक है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं या फिर अमीनो एसिड्स। तो जितने भी एंजाइम्स जो हमारे पास हैं वो सारे के सारे प्रोटीनेशियस यानी कि प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है गाइस, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बेस्ट कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इनमें से बताना है कि आपने सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है। तो देखो अगर यहाँ पे कोई अगर एक चीज़ मेटल है तो वही जो है हमारा एक अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास अल्कोहल है, उसके बाद मरकरी है, फिर इथर है और वाटर है। तो इनमें से जो मरकरी होता है ना, ये हमारा मेटल है, ये बेसिकली लिक्विड होता है लेकिन ये एक मेटल है, तो मेटल हमेशा क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास हायर कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर कॉजेज विच डिजीज, अगर वातावरण में क्या हो जाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, क्या कैंसर हो जाएगा, कोरोजन होगा, स्किन डिजीज होगी या फिर ब्रोंकाइटिस। तो देखो हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ना, ये एक प्रकार की इरिटेंट गैस होती है जो बेसिकली शरीर के अंदर जो जाके एक एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, तो जिससे हमारे जो एयरवेज होते हैं ना, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब प्राइमरी ब्रोंकस वगैरह, सेकेंडरी या टर्शियरी ब्रोंकस है ना, तो अगर आपने लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसके अंदर आप लोग जानते होंगे एयरवेज होते हैं, तो उनके अंदर जाके एलर्जिक रिएक्शन करेगी और उनको क्या कर देगी, उनका जो साइज होगा ना अंदर से उसको कम कर देगी, जिससे हमें जो एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाइटस। ठीक है, ब्रोंकाइटस में मेनली जो है हमें क्या हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, क्योंकि जो एयर वेज होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होम इज़ द यूनिट ऑफ, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, होम जो है वो किसका यूनिट है, तो वो होता है रेजिस्टेंस का, यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रा इथाइल लेड इज, अब जो टेट्रा इथाइल लेड है ये 10th क्लास के अंदर इसके बारे में जो है हमें पढ़ाया जाता है साइंस के अंदर, तो जो टेट्रा इथाइल लेड होता है ये क्या होता है, तो बेसिकली ये गैसोलीन या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर डाला जाता है, तो ये वहाँ पे काम करता है एज ए एंटी नॉक कंपाउंड, तो यहाँ पे डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल. जो लेड पेंसिल्स होती हैं हमारी जो जनरली यूज़ करते हैं हम लोग लिखने के लिए, तो उसके अंदर क्या चीज़ यूज़ की जाती है, क्या ग्रेफाइट, लेड, कार्बन, माइका, क्या यूज़ किया जाता है? सभी जानते होंगे ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन हु रिसीव्स रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड. अगर किसी आदमी को एक गलत टाइप का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, क्या आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी या फिर आर्टरीज जो है डायलेट होंगी यानी कि बड़े साइज़ की हो जाएंगी, या फिर जो आरबीसीज हैं वो एग्लूटिनेट हो जाएंगे, या फिर स्प्लीन या फिर लिम्फोसाइट्स जो होंगे वो डिटीरियोरेट होंगे. तो देखो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है जब किसी भी एक आदमी को गलत टाइप का ब्लड चढ़ा दिया जाता है, तो जिससे क्या होगा आरबीसीज जो है वो एग्लूटिनेट हो जाएंगे यानी कि उनकी क्लंपिंग सी हो जाएगी, वो एक एकुमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो जिससे जो है ब्लड पैसेज जो है बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर, तो जिससे जो है कई बार आदमी की सडन डेथ भी हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए हमेशा किसी भी आदमी को जब दूसरे बंदे का ब्लड चढ़ाया जाएगा तो उससे पहले उनकी ब्लड ग्रुप की मैचिंग होती है. नेक्स्ट है सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ. अब देखो जो सलाइवा होता है वो किस चीज़ की डाइजेशन के लिए होता है, तो सबसे पहले बात सलाइवा की, जो सलाइवा होता है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पर्टिकुलर केमिकल्स जो हैं, केमिकल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो जैसे हमारे पास डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सलाइवा जो है हमारे पास हेल्प करता है स्टार्च की डाइजेशन के लिए. तो ये किसी एक बच्चे ने मेरी वीडियो के ऊपर पूछा भी था कि जो डाइजेशन स्टार्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या माउथ से या फिर स्टोमक से. तो उस बच्चे ने बोला था कि किसी ने बोला था वहाँ पे कि जो स्टोमक से स्टार्ट होती है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है, क्योंकि माउथ के अंदर जो है सलाइवरी अमाइलेज होता है, और जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो डाइजेशन करता है स्टार्च की. ठीक है, स्टार्च जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है गाइज, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी. नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज एज फ्यूल इन प्रोपेलेंट और रॉकेट्स. जो हमारे पास रॉकेट्स होते हैं जिनको हम लोग आउटर स्पेस में भेजते हैं, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ जो है वो एज ए फ्यूल भरी जाती है, तो उसके अंदर जो है लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन का जो है इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट हेल्प्स इन. अब देखो जो हमारे पास पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके अंदर जिप्सम डाला जाता है, कैल्शियम सल्फेट. ठीक है ना, तो वो क्यों डाला जाता है, बेसिकली जो हमारा सीमेंट होता है ना वो बहुत ही जल्दी क्या कर जाता है, सेट हो जाता है, एक तरीके से ड्राई हो जाता है, उसकी सेटिंग बड़ी जल्दी हो जाती है. तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो है क्या किया जाता है, उसके अंदर जिप्सम डाला जाता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जहाँ पे क्या है, सी. प्रिवेंटिंग रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, क्योंकि अगर जल्दी सेट हो जाएगा तो फिर उसका फ़ायदा क्या है, हमें टाइम ही नहीं मिलेगा उसको मिक्स करने का या फिर उसको थोड़ी देर बाहर रखने का. ठीक है ना, तो इसलिए जो है इसके अंदर जिप्सम डाला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडोफॉर्म इज यूज एज एन आइडोफॉर्म. अब आइडोफॉर्म को जो है हम लोग मतलब एज ए क्या यूज़ करते हैं, तो देखो जो है हमारे पास आइडोफॉर्म जो होते हैं इसका नाम होता है ट्राई आइडोमिथेन भी इसको बोला जाता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन होता है और आयोडीन को जो है हम लोग एज ए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं. ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट कैन कॉजेस कैंसर इज आर. ठीक है ना, जो हमारे पास ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है यानी कि हमारे पास जितना भी गाड़ियों से धुआं शुआं निकलता है उनके अंदर जो है क्या होते हैं, काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, तो कौन से केमिकल हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं. तो ये यार एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली हमारे पास जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ना वो कैंसर कॉजिंग होते हैं, और साथ ही साथ वो एसिड रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो किसने इन्वेंट करी, तो ये भी 8th क्लास के अंदर ये एक चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म करके, तो उसके अंदर ये दिया है एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी. नेक्स्ट है हमारे पास पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज. जो ह्यूमन ब्लड होता है उसकी पीएच कैसी होती है, तो ये आपको मैं बता दूं कि जो ह्यूमन ब्लड होता है वो स्लाइटली आपका बेसिक होता है. 7 के ऊपर हमारी पीएच न्यूट्रल होती है, उससे नीचे होगा तो एसिडिक, 7 से ऊपर होगा तो बेसिक. तो हमारा ब्लड कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक. तो अब ये कितना होता है, इसकी रेंज होती है 7.35 से लेके 7.45 तक. ठीक है, इस रेंज के अंदर है हमारे पास अगर ऑप्शन में तो वो करेक्ट होगा, तो यहाँ पे देख लो 7.2 है और 7.4 है, तो यहाँ पे करेक्ट हमारा क्या होगा, 7.4. तो डी यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट चलते हैं
विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सा है। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर जो है सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, जो आपका नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप लोग इस क्वेश्चन को गूगल करेंगे तो शायद वहाँ पे कई बार आंसर जो है आपका पैनक्रियास के बारे में भी बताता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, मतलब टोटली आपका एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा गया, लेकिन पैनक्रियास जो होता है ना वो आपका एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन होता है। उसका जो 95% जो पार्ट होता है ना आपका वो होता है एक्सोक्राइन, और मतलब 2-3% या 4% जो है वो एंडोक्राइन होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, तो आपको हमेशा वहां पे टिक क्या करके आना है, मार्क करना है आपको थायराइड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट, जो हाथी के जो टस्क होते हैं वो बेसिकली कौन से दांत होते हैं, ठीक है ना, कौन से दांत मॉडिफाई होके जो है टस्क बन जाते हैं, तो वो होते हैं इनसीजर्स। तो यहाँ पे सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास मीरेज या फिर माइरेज, कुछ भी बोल लो जैसे आप लोग बोलना चाहो, माइरेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो माइरेज क्या होती है, बेसिकली जब भी आप लोग किसी धूप वाले दिन आप लोग किसी रोड के ऊपर जा रहे हो तो आपको दूर कहीं आप लोग देखोगे ना तो आपको लगेगा कि पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप लोग वहाँ पे पास में जाओगे तो बिल्कुल भी वो कुछ नहीं होगा। तो माइरेज जो है वो एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जो लाइट की वजह से बनता है, और ये कौन सा फेनामिना होता है जिसकी वजह से इसकी फॉर्मेशन होती है। तो अब लाइट तो होती है लेकिन लाइट के बहुत सारे अलग अलग फेनामिनास होते हैं, तो हमारे पास एक फेनामिना है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये उसकी वजह से होता है। ठीक है ना, किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है यार, देखो यहाँ पे एक जो है बी में लिखा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रेक्शन की वजह से, तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट क्या आने वाला है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, क्योंकि ये रिफ्रेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों से होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पे आपका सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता तो सिर्फ आपको उसी को मार्क करना था, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेक्शन भी है, क्योंकि रिफ्रेक्शन में क्या होता है कि आपकी जो लाइट है वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। ठीक है ना, तो उस वजह से जो है हमारा यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, द एलिमेंट यूज्ड विच इज़ यूज फॉर वल्कनाइजिंग रबर, रबर को वल्कनाइज करने के लिए कौन सा जो है हमारे पास एलिमेंट यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो नेचुरल रबर होता है ना उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग रबर की वल्कनाइजेशन करते हैं, जो सल्फर की मदद से की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन ए, सल्फर। नेक्स्ट है द नोबल गैस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए जो है कौन सी नोबल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने बहुत सारी नोबल गैसेस होती हैं हमारे पास, उनके नाम सुने होंगे जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, तो ये जो है इनमें से कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। तो हमारे पास रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होती है, तो इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ड्राई आइस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ, ड्राई आइस जो है वो क्या होती है। तो बेसिकली जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसी को जो है हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, क्योंकि इसको सर्टन केमिकल कंडीशंस के ऊपर हम लोग सॉलिड फॉर्म में भी ले जाते हैं। उससे क्या होता है, बेसिकली उसका इस्तेमाल किया जाता है मतलब काफ़ी कम टेम्परेचर्स को क्रिएट करने के लिए, काफ़ी लो टेम्परेचर यानी कि ठंडा टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, अब रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, H2 का एडिशन होगा, और या फिर O2 का रिमूवल, यानी कि माइनस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि उसको रिमूव कर रहे हैं, H2 को ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों में से जब भी कोई एक चीज़ होगी तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे करेक्ट हमारा सी ऑप्शन है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा। तो सबसे पहले विटामिन सी स्कर्वी होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद विटामिन के क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास विटामिन ई, तो इससे रिकेट्स, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिकेट्स जो है वो विटामिन डी से होता है, और जो विटामिन ई होता है ना उसको हम लोग एंटी स्टेरिलिटी कहते हैं, ठीक है, विटामिन कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट चलते हैं, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, कौन सी होती है लॉन्गेस्ट बोन, ये भी सारे बच्चे जानते होंगे, जो थाई बोन होती है जिसको हम लोग फीमर कहते हैं, यही हमारी लॉन्गेस्ट बोन है।
तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग इन अ व्हील. व्हील जो होता है आपका जो टायर है उसके अंदर एक बॉल बियरिंग लगा होता है, तो उसका बेसिकली फंक्शन क्या है? तो उसका फंक्शन यही होता है कि यार फ्रिक्शन को कम करना, ठीक है ना. वो एक प्रकार की फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है, और वो कौन सी फ्रिक्शन होती है? काइनेटिक फ्रिक्शन. तो इसका क्या काम होता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना, किसका? बॉल बियरिंग का. तो ये हमारे पास बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम. रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी होती है वो बेसिकली कहाँ से ड्राइव होती है? हमारे पास जो एटीपी होते हैं ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहाँ से ड्राइव होती है. तो यहाँ पे ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन्स आर. सेक्स हार्मोन्स केमिकली कैसे होते हैं? क्या वो वाइटामिन्स हैं, अल्केन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या फिर स्टीरॉइड्स हैं? तो जितने भी हमारे पास सेक्स हार्मोन हैं, जैसे आपके पास टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? स्टीरॉइड्स होते हैं इन नेचर, ठीक है. उसके बाद है चिकन पॉक्स इज कास्ड बाय. चिकन पॉक्स जो है एक प्रकार की बीमारी होती है, वायरल डिजीज होती है. तो ये किससे होती है? एच आई वी वायरस से? बिल्कुल नहीं, इससे तो एड्स होता है. उसके बाद वेरिसेला जोस्टर वायरस, तो यही इसका आंसर है, वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से होती है. उसके बाद स्ट्रेप्टोकॉकस और विब्रियो कॉलेरा है, तो ये आप जानते हैं कि ये बैक्टीरिया होते हैं. उसके बाद है द बेस यूज्ड इन एंटासिड. अब एंटासिड क्या होता है? जो आपकी गैस या फिर एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो मेटल के हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, लेकिन सारे के सारे नहीं होते. तो यहाँ पे ऑप्शन में से आपने चेक करना है कौन सा होगा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सिल्वर हाइड्रोक्साइड. तो हमारे पास जो एंटासिड इस्तेमाल होता है तो वो है हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास अ प्रोसेस विच इज़ नॉट हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. तो इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसको हम लोग इस्तेमाल में नहीं लाते, ठीक है ना, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए? तो हमारे पास सबसे पहले है अप्लाइंग ग्रीस, इससे तो प्रिवेंट हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वेनाइजिंग, इससे भी प्रिवेंट हो जाएगी. उसके बाद पेंटिंग है, इससे भी प्रिवेंट हो जाएगी रस्टिंग. तो एनीलिंग जो है वो ग्लास के केस में की जाती है, इससे हम लोग जो है रस्टिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय. ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए? तो ये हमारे पास साइंटिस्ट हुए हैं कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया हुआ है. तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc. दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड एट. अब देखो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है कितनी? 1 ग्राम पर cc. लेकिन कब होती है ये? 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. तो यहाँ पे बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ. जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर क्या होता है, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? तो सारे जानते हैं यार सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट चलते हैं एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेटोल. अब डेटोल आप लोग सारे इस्तेमाल करते हो साबुन या फिर ऑयल की फॉर्म में, तो उसके अंदर कौन सा जो है एक मतलब एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है? तो वो होता है हमारे पास क्लोरोक्साइलिनोल. अगर आपके पास बॉटल है तो उसके ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे देखो आयोडीन भी है, आयोडीन भी एंटीसेप्टिक एक्ट करता है, लेकिन डेटोल के अंदर वो नहीं होता है, ठीक है. उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक. नेक के अंदर कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है? तो ये पीछे क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, वो होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है गाइस. नेक्स्ट है तो देखो यार इतने ही क्वेश्चन जो हैं काफ़ी हैं, तो आप लोग बारी बारी से इसको चेक करके मतलब पास कर करके देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग.